प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरी इनेलो शहर में लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर तहसीलदार के माध्यम से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। लघु सचिवालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की हरियाणा सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनेलो के नेताओं ने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय उस पर नए नए टैक्स लगाकर उसका खून चूसने में लगी हुई है। कोरोना के नाम पर आम जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। प्रदेश का युवा रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकार युवाओं के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कमान का ये निर्णय है, आज 12 तारीख सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन हरियाणा प्रदेश के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारी नेतागण कार्यकर्तागण इकट्ठा होकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। पार्टी के उसी निर्णय के तहत हमने आज बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी इसके रिगार्डिंग माननीय राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन और सामूहिक तौर पर ये ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। वहीं फतेहाबाद में डीएपी के दामों में बेतहाशा वृद्धि के बाद इनेलो ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। शहर भर में प्रदर्शन करते हुए इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों सरकार ने एक तानाशाही फरमान जारी करके खाद डीएपी के दामों में 1200 से सीधा 1900 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी। दिनों दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में सरकार बढ़ोतरी कर रही है। दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठा, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और इसके साथ साथ गेहूं की तुलाई में किसानों को परेशान किया जा रहा है, कहीं मॉइस्चर के नाम पर, कहीं बारदाने के नाम पर। सरकार बारदाने का प्रबंध नहीं कर रही है। आज हमने सारा ये ज्ञापन पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, चौरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो आदेश आए हैं वो हमने ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम उपायुक्त महोदय फतेहाबाद को सौंपा है। इनेलो नेताओं का कहना था कि एक और किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए डीएपी के रेटों में बेतहाशा वृद्धि कर किसानों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। वी न्यूज के लिए पलवल से संजय राठौर, फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट।